वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। और डिटेल रेसिपी के लिए हमारी वेबसाइट foodconnections.com पर विजिट करें। फ्रेंड्स, आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीम ऑफ वेजिटेबल सूप बनाएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही इजीली और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में, बहुत ही कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है और आप इसे घर पर ही एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमने एक बर्तन में एक चम्मच बटर लिया और इसे गर्म किया। अब सबसे पहले हम इसमें एक तेज पत्ते डालेंगे और कसी हुई अदरक डालेंगे और इसे एक मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अभी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें बारीक कटे प्याज, बारीक कटी फूल गोभी, बारीक कटी गाजर, बारीक कटी फ्रेंच बीन्स डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। हमें इन सब्जियों को पूरा नहीं पकाना है, इसमें थोड़ा क्रंचीनेस रहना चाहिए। ये सब्जियों का जो क्रंचीनेस है, ये सूप का टेस्ट को और बढ़ा देगा। अब इसमें करीब 600 ml पानी डालें और इसे उबलने के लिए रख दें। इसमें एक वेजिटेबल स्टॉक क्यूब, जी हाँ, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। इसे ऐड करने पर आपका सूप जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा टेस्ट आएगा। यदि आपको ये ना मिले तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। इसे इसमें डालें और अच्छे से मिलाएं। अब हमने कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी मिलाया है और इसकी एक स्लरी तैयार कर ली है। पानी बॉईल हो चुका है, इसमें इस कॉर्नफ्लावर की स्लरी को मिला दें और अच्छे से हिलाएं। जी हाँ, जब आप कॉर्नफ्लावर मिलाएं तब इसे एक हाथ से हिलाते भी रहें ताकि सूप हमारा लंप फ्री बने, और इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक कुक होने दें। देखिए, हमारा सूप अब काफी गाढ़ा हो चुका है। अब गैस की स्विच ऑफ कर दें और फ्रेश क्रीम ऐड करें। फ्रेंड्स, इसमें फ्रेश क्रीम जो ब्लू वाला पैक आता है अमूल का, वही ऐड करें, घर की क्रीम ऐड ना करें। वह मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें और रेस्टोरेंट स्टाइल सूप को घर पर ही एंजॉय करें। थैंक यू।